समाजवादी पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट की सूची से नाम निकाले जाने के बाद सपा की हरदी लजीज प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक ने सपा से किनारा कर लिया है। पंखुड़ी ने सपा पर अपने समाजवादी सिद्धांतों को छोड़ देने का गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि अब वहां रहने से दम घुटता है। पंखुड़ी को सपा की विचारधारा रास नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया है। पंखुड़ी पाठक नोएडा की रहने वाली हैं। पंखुड़ी ने आज से 8 साल पहले यानी 2010 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। आपको बता दें कि छात्र जीवन से सक्रिय राजनीति में कदम रखने वाली पंखुड़ी पाठक का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, इसके बावजूद वो राष्ट्रीय राजनीति में सपा का बेहद चर्चित चेहरा रही। लॉ स्टूडेंट पंखुड़ी ने दिल्ली के छात्र संघ चुनाव में सपा को मजबूत करने का काम किया था। इसी के एवज में साल 2013 में उन्हें लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। पंखुड़ी वह शख्सियत हैं जिसे मोदी सरकार के मंत्रियों से लेकर कई विपक्षी दलों के सांसद और विधायक सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। साल 2017 में पंखुड़ी पाठक को सोशल मीडिया पर एक शख्स ने रेप की धमकी दी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया की ही मदद से आरोपी को पकड़वाया भी गया था। इसके बाद से पंखुड़ी अचानक लाइमलाइट में आ गई थी। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पंखुड़ी बीजेपी का दामन थाम सकती हैं, लेकिन फिलहाल पंखुड़ी ने किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव की बात को सिरे से नकारा है। लेकिन पंखुड़ी जी, सियासत की लत भी काफी बुरी होती है, इंसान ज्यादा दिन इससे दूरी बनाकर नहीं रह पाता। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सपा से मोहभंग के बाद पंखुड़ी पाठक किस पार्टी के आदर्शों को अपनाती हैं। राजनीति से जुड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब भी करें। समाजवादी पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट की सूची से नाम निकाले जाने के बाद सपा की हरदी लजीज प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक ने सपा से किनारा कर लिया है। पंखुड़ी ने सपा पर अपने समाजवादी सिद्धांतों को छोड़ देने का गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि अब वहां रहने से दम घुटता है। पंखुड़ी को सपा की विचारधारा रास नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया है। पंखुड़ी पाठक नोएडा की रहने वाली हैं। पंखुड़ी ने आज से 8 साल पहले यानी 2010 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। आपको बता दें कि छात्र जीवन से सक्रिय राजनीति में कदम रखने वाली पंखुड़ी पाठक का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, इसके बावजूद वो राष्ट्रीय राजनीति में सपा का बेहद चर्चित चेहरा रही। लॉ स्टूडेंट पंखुड़ी ने दिल्ली के छात्र संघ चुनाव में सपा को मजबूत करने का काम किया था। इसी के एवज में साल 2013 में उन्हें लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। पंखुड़ी वह शख्सियत हैं जिसे मोदी सरकार के मंत्रियों से लेकर कई विपक्षी दलों के सांसद और विधायक सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। साल 2017 में पंखुड़ी पाठक को सोशल मीडिया पर एक शख्स ने रेप की धमकी दी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया की ही मदद से आरोपी को पकड़वाया भी गया था। इसके बाद से पंखुड़ी अचानक लाइमलाइट में आ गई थी। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पंखुड़ी बीजेपी का दामन थाम सकती हैं, लेकिन फिलहाल पंखुड़ी ने किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव की बात को सिरे से नकारा है। लेकिन पंखुड़ी जी, सियासत की लत भी काफी बुरी होती है, इंसान ज्यादा दिन इससे दूरी बनाकर नहीं रह पाता। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सपा से मोहभंग के बाद पंखुड़ी पाठक किस पार्टी के आदर्शों को अपनाती हैं। राजनीति से जुड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब भी करें।